हेलो योगीवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस में। इस चैनल में मैं आपसे फिजियोथेरेपी के बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, बायोमैकेनिक्स और जनरल मेडिकल सारे कोर्सेज के बेसिक सब्जेक्ट्स जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में हिंदी में डिस्कशन करती हूँ। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक कीजिए, उसमें आपको इस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप एक मेडिकल, नर्सिंग या फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे फिजियोथेरेपी के इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट के क्रायोथेरेपी नामक टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ। क्रायोथेरेपी पे वीडियो बनाने के लिए रिसेंटली कई व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ था और ये वीडियो है खास उनके लिए और आप सभी के लिए जिनको इस टॉपिक पे कोई डाउट है। क्रायोथेरेपी को डिफाइन किया जाता है एज द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड फॉर वेरियस थेरेप्यूटिक पर्पसेस। मतलब अगर आप अपने पेशेंट के ऊपर कुछ ऐसा थेरेप्यूटिक और फिजियोलॉजिक थर्मोरेगुलेटरी रिएक्शन चाहते हैं जिससे उनके एक इंजर्ड एरिया में लोकलाइज कूलिंग हो और इससे उनकी बॉडी हीट एक्सट्रैक्ट हो पाए, अंडरलाइन टिश्यूज में जो भी बॉडी हीट प्रोड्यूस हो रही है इधर बाय एवापोरेशन और कंडक्शन, इस पूरे प्रोसीजर को कहा जाता है कोल्ड थेरेपी या क्रायोथेरेपी। देखिए, क्रायोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब आप आइस को एक पेशेंट के बॉडी टिश्यूज में अप्लाई करते हैं, फिर क्या होता है, आइस अपना स्टेट चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और ये इसलिए होता है क्योंकि हीट कंडक्ट होता है फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी टिश्यूज टू द आइस, और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस इनटू वाटर चेंज हो जाए, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर फ्रॉम अ फिजियोथेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू हम क्रायोथेरेपी की बात करें, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट एक पेशेंट के टिश्यूज को लोकली कूल करने के लिए क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं और ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक एजेंट की तरह यूज होता है। कई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के केस में या कोई भी अक्यूट इंजरी के केस में पहला चीज जो यूज होता है वो होता है क्रायोथेरेपी। इट मे बी एनी मोड ऑफ गिविंग क्रायोथेरेपी, लेकिन दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अक्यूट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। सो इनिशियली जब भी आइस आपके पेशेंट के टिश्यू के ऊपर आप यूज करते हैं, फिर क्या करता है, पेशेंट का बॉडी ये अटेम्प्ट करता है कि वो अपने हीट को लूज ना करे, एंड इन एन अटेम्प्ट वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो भी ब्लड वैसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नैरो डाउन हो जाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स। उसके आगे क्या होता है, वैसो डायलेटेशन होता है और फिर ये ऑल्टरनेट एपिसोड होते हैं ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेटेशन। और ये जो एपरेंट हंटिंग होता है फॉर अ मेन पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन, इसको कहा जाता है लीविस हंटिंग रिएक्शन। लीविस हंटिंग रिएक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप चाहें तो उस डिटेल वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडायलेटेशन का, क्या इसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट है? तो यस, थेरेप्यूटिक इफेक्ट है और इसीलिए क्रायोथेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हम थेरेप्यूटिक यूज की बात करें तो शुरू शुरू में जो भी वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है उसे हम यूज करते हैं ताकि ब्लड ज्यादा टिश्यूज के अंदर ना चला जाए फॉलोइंग इंजुरी, जैसे स्पोर्ट्स इंजुरी के बाद। और इसके आगे आइस थेरेपी या क्रायोथेरेपी के आगे एक कंप्रेशन बैंडेज भी लगाया जाता है ऑन द एरिया ऑफ इंजुरी। जो ऑल्टरनेट वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेटेशन होता है उससे क्या होता है, सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है ब्लड सर्कुलेशन में, और जब ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आते हैं, रिपेयर सब्सटेंसेस आते हैं डैमेज्ड एरिया में, और इससे स्वेलिंग कम होती है और रिपेयर एनहेंस होता है। इंक्रीज सर्कुलेशन क्या करता है, उन केमिकल सब्सटेंसेस को भी हटाता है जो नोसिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। आई होप आपको पता होगा कि नोसिसेप्टर्स वो पेन रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके पेन परसेप्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मतलब नोसिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो जाके आपके हायर सेंटर को पता चलता है कि पेन आपको है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा इन केमिकल सब्सटेंसेस को वो हटा देगा, नोसिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे और पेन आपको कम महसूस होगा इस तरीके की इंजुरी में, अक्यूट इंजुरी में। इसके अलावा आपके पेशेंट
स्पैज़म को कम करने के लिए भी ये मैकेनिज्म हेल्प करता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो स्पैज़म प्रोड्यूस करता है वो भी इस इंक्रीज सर्कुलेशन की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया से रिमूव हो जाता है। सो ये था सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलिटेशन का एक पॉजिटिव थेरापूटिक इफेक्ट ऑन योर पेशेंट। अब एक न्यूरल रिस्पॉन्स भी होता है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ह्यूमन स्किन में कुछ थर्मल रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वार्म रिसेप्टर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होते हैं। तो जब आप क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ये रिसेप्टर्स उन इंपल्सेस को बहुत जल्दी आपके हायर सेंटर्स तक पहुंचाता है। अब इसका क्या पॉजिटिव थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है? पहली बात है पेन गेट मैकेनिज्म। पेन गेट मैकेनिज्म क्या होता है, हर फिजियोथेरेपिस्ट को इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, और इसीलिए मैंने इस बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार भी मिला है व्यूअर्स से। उस वीडियो को आप एक बार देखिए और अपने पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि पेन गेट मैकेनिज्म किस तरीके से एक्ट करता है। आइस या क्रायोथेरेपी भी इसी पेन गेट मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करता है। आइस एप्लीकेशन से कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, तो ये क्या करते हैं, इंपल्सेस को भेजते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड वाया पोस्टीरियर नर्व रूट। इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं वाया रिलेटिवली लार्जर डायमीटर नर्व फाइबर्स, तो ये जल्दी वहां पहुंचते हैं और पेन के इंपल्सेस को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि पेन के इंपल्सेस स्मॉल डायमीटर फाइबर्स के थ्रू जा रहे होते हैं टू रीच द स्पाइनल कॉर्ड, और इस तरीके से पेन में कमी आती है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये जो मैं कह रही हूँ कि स्मॉल डायमीटर फाइबर्स से पेन जाता है, लार्जर डायमीटर फाइबर्स से कोल्ड का सेंसेशन जाता है, और फिर ये जाकर स्पाइनल कॉर्ड के लेवल में किस तरीके से पेन इनहिबिट होता है, इसे समझने के लिए आपको एक बार पेन गेट मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्लियर करना होगा। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है कोल्ड स्टिमुलेशन की वजह से मिड ब्रेन के कुछ एरियाज के स्टिमुलेशन भी होते हैं, जिसकी वजह से बीटा एंडोर्फिन्स एंड एन्केफेलिन्स रिलीज होता है, और ये है बॉडी के ओपिएट लाइक सब्सटेंसेस जो कि पोस्टीरियर हॉर्न में जब रिलीज होते हैं इससे पेन का रिडक्शन होता है, दो ऑन अ टेम्पोररी बेसिस। सो पेन का रिडक्शन दूसरी तरीके से कैसे होता है, थ्रू द डिसेंडिंग पेन सप्रेशन मैकेनिज्म। इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल में है, आप उसे एक बार जरूर देखिए। पेन के थियोरी और डिसेंडिंग पेन सप्रेशन मैकेनिज्म के बारे में जानना बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के भी ये पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, आपके वाइवा के क्वेश्चंस हो सकते हैं इन इलेक्ट्रोथेरेपी एज वेल एज इन एक्सरसाइज थेरेपी। अपार्ट फ्रॉम पेन रिडक्शन, एक और थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है क्रायोथेरेपी का, रिडक्शन इन मसल स्पैज़म एंड स्पैस्टिसिटी। अब मसल स्पैज़म क्या है और स्पैस्टिसिटी क्या है, इसका डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है चैनल में, उसे जरूर देखिए ताकि आपको इसका डिफरेंस पता चल जाए। शॉर्ट में मैं बस इतना कहूंगी कि स्पैस्टिसिटी होता है बिकॉज ऑफ एन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, इसमें मसल टोन इंक्रीज होता है। स्पैज़म में भी मसल टोन इंक्रीज होता है बट लोकली एक पर्टिकुलर एरिया में, ताकि उस एरिया में और ज्यादा डैमेज ना हो, इसीलिए मूवमेंट का लिमिटेशन होता है। सो दैट इज द डिफरेंस। अब ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड डायलिटेशन, फिर क्या होता है, इससे लैक्टिक एसिड का रिमूवल होता है। लैक्टिक एसिड एक सब्सटेंस है जो मसल स्पैज़म को एनहेंस करता है। अब जब लैक्टिक एसिड ही नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, तो स्पैज़म ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात है जब क्यूटेनियस रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, इससे अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मसल स्पिंडल से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो डिक्रीज होता है, और बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स इनहिबिशन ऑफ मसल एक्टिविटी स्पैस्टिसिटी भी डिक्रीज होता है। सो स्पैज़म और स्पैस्टिसिटी को इस तरीके से डिक्रीज करता है क्रायोथेरेपी। इसके अलावा क्रायोथेरेपी डायरेक्टली मसल स्पिंडल पे भी एक्ट करता है अगर प्रोलॉन्ग कूलिंग की जाए, सो इससे भी स्पैस्टिसिटी कम होता है। और दूसरी बात है विस्कोसिटी को ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से रैपिड स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस जो है वो कम हो सकते हैं, डिमिनिश हो सकते हैं। अब ये रहे पॉजिटिव इफेक्ट्स, जो भी फिजियोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स मैंने आपको अभी गिनवाए, लेकिन आइस के कुछ एडवर्स या नेगेटिव इफेक्ट्स, जैसे कि
माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर करना मत भूलिए। दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अ क्रिएटर लाइक मी। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।